नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पिछले 24 घंटे में गांजा तस्करी के संबंध में दो आपराधिक प्रकरणों में 4 गांजा तस्करों पर कार्रवाई करने में और पिछले 4 साल से फरार गांजा तस्कर को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। थाना नगर नार को सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी गांजा तस्कर द्वारा ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजा तस्करी की जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी नगर नार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम तारापुर में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सोल्ड वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम अजय कुमार साहनी निवासी गोपालगंज बिहार का होना बताया, जिसके बैग की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में 30 किलोग्राम गांजा मिला। जिस संबंध में पूछताछ करने पर गांजा रखने का वैधानिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। मामले में 30 किलोग्राम गांजा आरोपी के कब्जे से जब्त किया गया। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत थाना नगरनार में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन व सोल्ड मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। थाना नगर नार के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा गांजे की तस्करी की जा रही है, जिस पर थाना प्रभारी नगर नार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर तारापुर की ओर रवाना किया गया था, जहां संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को जो है पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास से जो है 30 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। आरोपी जो है बिहार का है और इस प्रकार थाना नगर नार चौकी बकावंड के अंतर्गत जो है 24 घंटे में दो आपराधिक प्रकरणों में जो है 4 तस्करों से 55 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है और इसमें दो अलग अलग आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और जब्तशुदा गांजा की जो अनुमानित कीमत है 2,75,000 रुपये आंकी गई है और इसमें थाना बस्तर के अंतर्गत भी जो है वर्ष 2018 के गांजा तस्करी के एक प्रकरण में फरार अभियुक्त को जो है आज जो है महाराष्ट्र से पकड़ा गया है।